अद्भुत लापरवाही का दृश्य देश में और प्रदेश में देखा है। संवेदना है, भावना परिवार के साथ है। संकट कैसे आया, दोषी कौन है और किसको इसके लिए जिम्मेवार ठहराए, ये एक अलग कहानी है और इसमें किसी प्रकार की नकारात्मक का विचार देना मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरी नहीं। इस वक्त जरूरी है कि हम सब मिलकर कैसे उन परिवारों को जिन पे ये वज्रपात आया है, उन सब परिवारजनों पे एक साथ मिलकर उनका सहयोग करें और इस पूरी घटना को लेकर सरकार, जिम्मेवारी अधिकारी, कर्मचारी, तंत्र सब मिलकर उनको जितनी राहत दे सके उस पर काम करें। और कांग्रेस पार्टी भी उस भावना से कि सरकार जल्दी से जल्दी राहत दे, और हमने हमारे कार्यकर्ताओं से को आदेशित किया है, निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हताहत है परिवारजनों की सेवा करें, उनका सहयोग करें। जहाँ तक प्रश्न है लापरवाही का, ये समय पे बात है। मंत्री ने जांच के आदेश दिए। हरदा के बैरागढ़ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निर्देश पर दो जांच कमेटियां गठित की गई हैं। जीतू पटवारी ने घटना की जांच के लिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और रामू टेकाम को मौके पर पहुंचने और वस्तुस्थिति संबंधित रिपोर्ट पीसीसी चीफ को अवगत कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी हादसे में जनधन की हानि की जांच के लिए हरदा विधायक रामकिशोर दोगने की अध्यक्षता में विधायक अभिजीत शाह की जांच कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 3 दिन में अपना जांच प्रतिवेदन देगी। जीतू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के हरदा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की सूचना मिली। बताया जा रहा है हादसे में लोगों के मारे जाने और कई के घायल होने के अलावा 60 से ज्यादा घरों में आग भी लग गई है। मैं शासन से अनुरोध करता हूं हादसे की विस्तृत जांच करवाएं, घायलों के उपचार की व्यवस्था भी तत्काल सुनिश्चित हो। कांग्रेस ने हरदा की घटना के बाद विधायक दल की बैठक का रात्रि भोज स्थगित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषणतम विस्फोट की घटना दुखद है। इस घटना से प्रदेश भर में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है। इसके चलते पार्टी ने विधायक दल की बैठक में हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद होने वाला रात्रि भोज स्थगित कर दिया गया।